वालेकुम अस्सलाम खाला के न्यू घर में कैसा लगा? सही लग रहा है आदमी घर? सही है ना? खुला खुला वेलकम टू सबा फूड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आ गए हैं अगना और आदिल, जहाँ मैंने अली का रिश्ता कर रखा है, मेरी बड़ी बहन के यहाँ उनके बड़े बेटे और उनकी दुल्हन है ये। और भाई कशिश, चलो आपको पसंद आया? तो कशिश आज अली के साथ कितने बजे तक बैठोगी रात को? कितने बजे तक? कितने बजे तक टून होगी तुम? 12:30 चलो। तो तू बातें करती रही हो अली से, अली को कंपनी दियो। अली भाई को काम को बता दी ठीक है। तो ये आज आई हुई है कशिश उर्फ अली की साली। तो खाना तो हम सब अम्मी के यहाँ से ही खा के आए थे और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो इसलिए सब बैठे हुए थे। बड़ा सा घर दे, बड़ा घर दे, बड़ा सा घर, कम से कम 150 गज का तो दे। तो वो सारे के सारे मेरे लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह जल्दी से एक अच्छा सा घर दे दे। सब मेरी बहुत वो करते हैं, सब मेरे लिए अल्लाह मियाँ करेगा, कभी ना कभी तो देगा ही अल्लाह घर अपना। कब तक के किराए के घरों में रहेंगे, कहीं कभी तो अल्लाह सुनेगा ही। और इधर आदिल अपने बेटे को खिला रहे थे, इनको नज़र हो गई थी, ये बस ये रोए रोए जा रहे थे, इतना प्यारा है अरजलान। ये देखो जी बट्टू नाश्ता कर रहे हैं और अमायरा और फातिमा सुबह हो गई। ये असली कैमरा पर्सन है, कैमरे के सामने कैसे वो करना है। आयरा अमायरा कैसे कैसे हाय। मट्टू बड़ी शादी कर रहे हो तुम आजकल, हैं बारातों में मगन हो, रात भी शादी में से आयो। वलीमा कब का है? 9 तारीख का। चलो जल्दी से नाश्ता करो और जाओ। इधर अगना अपनी बच्चों के साथ कपड़े बदला के खेल रही है, ये माशाल्लाह से ये बहू है हमारी। ये मेरा छोटा सा मुन्ना है, ये मेरा छोटा सा पोता है। और ये मेरी छोटी सी आयरा है। अब ये नाश्ते के इंतजार में है बच्चे। वह है अली, पूरी रात काम हो गए। नहीं अली को जानते हो आप? ये अली है, पहली बार इंट्रोडक्शन करा रही हूँ मैं। इंडक्शन करा रही हूँ। इंडक्शन होता है लेकिन वो कंपनी में होता है, जब ज्वाइन करो तो। माशाल्लाह से रौनक हो रही है आज भी मेरे घर में। एक्टिविटीज होती है क्या? और ये सिम्बा को तो आप जानते ही हो, ये सिम्बा भूखा हो रहा है, इससे हम कह रहा हूँ उसे खाना दे दो। और जी इधर बन चुकी है चाय, नाश्ता हमारा सारा आया हुआ है, बस थोड़ी सी कमी है, वो लेने गया हुआ है आदिल मेरा भांजा, अभी आने वाला है वो। कशिश कुछ कोशिश करो बातचीत करने की, खाने को सलाम। अरे वो बस भूख लग रही है बहुत ज्यादा। और ये मेरी बहू और अली की सलज।
माशाल्लाह से नाश्ता चल रहा है। हाय करो, हाय हाय। इसने हाय करा ना, अली इतना वो हो गया, मट्टू को इतना अच्छा लगा इसका हाय। आदिल ले ले भाई, अगना अगना ये मेरा भांजा है उर्फ अली, अली का साला सबसे बड़ा साला। ये मेरा भांजा है भाई, पहले तो शादी के बाद साला वाला। हाँ ये तो ये तो मेरा भांजा है, इनसे तो इन ले लो मक्खन वाले से खा ले भाई। माशाल्लाह से रौनक चल रही है मेरे घर में, अल्लाह मियां ऐसे ही रखे। अब के अब हुदा को भेज दियो, अब तो आप आएंगी है ना। हाँ और हाँ शानिया को लाने का तो बहुत तगड़ा खर्चा है भाई। तुम्हें तुम्हें भेजने का और हमें लाने का फुल तैयारी चल रही है, अल्लाह का शुक्र। चलो ठीक है, माशाल्लाह नाश्ता कर। मैं बना रही हूँ कस्टर्ड दोपहर को मेहमानों के लिए। ये मैंने बनाया है केसर पिस्ता फ्लेवर, ये वाला। तो इसमें ज़्यादा ग्रीन दिखा रहे हैं लेकिन ये इतना ग्रीन आ नहीं रहा। चलो मैंने लेकिन पहली बार बना रही हूँ ये वाला फ्लेवर, अक्सर हम मैंगो वाला ही बनाते हैं। तो ये कस्टर्ड बन रहा है। और जी बनाए हैं हम बिरयानी, चिकन ये रखा हुआ। मैंने पूछा था कि मैं क्या बना लूँ, मैं सोचा था मैंने कोई अच्छा सा सालन बना लूँगी, क्योंकि बिरयानी रात अम्मी के यहाँ खाई थी, रात का खाना अम्मी के यहाँ खाया था ना, अम्मी के ही आए थे, मैं भी वहीं थी उस टाइम पर। तो लेकिन अब भी बिरयानी की ही फरमाइश करी सबने, तो मैंने चावल ये भीगे पड़े हैं और वो गई भी हैं बाज़ार शिब्बू के साथ, उसको बाज़ार जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए आई हैं अगना। शिब्बू के साथ बाज़ार गई हुई हैं, बच्चे यही हैं, बच्चे ये रेटे पे, और अली सो गया है और मैं लगी पड़ी हूँ घर के कामों में। दोपहर का टाइम है, किचन किचन की तो भी हालत बहुत ख़राब है, भाई से रोज़ाना कह रही हूँ इसको ज़रा सा सेट करवा दे, लेकिन वो आ नहीं रहा। छोटा वाला भाई है ना मेरा अज़र, वही करेगा। वो यहाँ पर अलमारी वही है जो लकड़ी की, मुझे इस जगह रेके लगवानी है दो, उसमें से फिर ये सारा सामान वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये कबाड़ खाना सा जो दिखता है ना, ये नहीं दिखेगा। और फिर मुझे यहाँ वॉलपेपर वगैरह लगाना है, और फिर यहाँ पर वो लगानी है जिसमें चमचे वमचे लटकते हैं। मंगा मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन बस ये है अभी लगनी है, धीरे धीरे ही होगा, एक साथ तो सारी चीज़ें होती नहीं है। तो ये कस्टर्ड बन के तैयार हो गया मेरा, अब बस मुझे इसको ठंडा करके इसमें फ्रूट डाल के इसे ठंडा करने रखना है और बिरयानी पकानी है। इतने वो आएंगे अभी, और दो घंटे लगाएंगे शॉपिंग में, बहुत शॉपिंग करेंगे। आदिल भी किसी काम से चला गया और अगना और शिब्बू और कशिश भी बाज़ार चली गई हैं। तो ठीक है, जब वो आएंगी मेरा खाना तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कस्टर्ड इसमें निकाल दिया दोनों में, और ये मैंने केले और सेब काट लिए हैं। ये रहा पिस्ता, क्योंकि पिस्ता फ्लेवर है इसमें, है थोड़ा बहुत लेकिन मैं अलग से डालूंगी। और ये मैंने डाले, ये काट के रखे हैं मैंने गुलाब जामुन, मेरे गुलाब जामुन। तो मैंने इनको एक गुलाब जामुन को चार पीसों में काट लिया। तो मैं अब बस अपनी तरफ से कर रही हूँ। कितने गुलाब जामुन काटेंगे? पाँच छः काट। तो हम आधे तो इसमें डाल देंगे, ये नहीं है, फोन वोन नहीं करना मम्मा को। और जी आधे ही गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे, तो
तो गर्म हो रहा है केले कितने रुपए के मिले 12 ही ये हम डालेंगे इसके ऊपर पिस्ताशियो डालेंगे पिस्ताशियो पिस्ता फ्लेवर है ना इससे अगली बार ना बटर स्कॉच बनाना चलो ये मैंने एक बार भी नहीं बनाया अब थोड़ा सा हम करेंगे गुलाब जामुन से डेकोरेट ये तो एक में ही आ गए सारे दूसरे के लिए काट लेती हूँ मैं ये और चल एक और काट लेते हैं तो फिर मैंने दोनों कटोरे दोनों डिशे फ्रीज़र में रख दी क्योंकि इसको ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी होता है वरना ये अच्छे नहीं लगते तो फिर ये लोग बाज़ार से आ गए और ये बहुत लेट आए थे खाना मैंने तैयार कर लिया था काफ़ी देर हो गई थी और इन सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो सब खाना खा रहे थे ये यहीं पर ही सबको खाना खाना अच्छा लग रहा है इस टाइम क्योंकि यहाँ से ज़रा खुली खुली जगह है ना तो सब कहते हैं यहीं दस्तरखान बिछा लो खुली सी खुला सा एरिया है अगर हुआ तो फिर मैं डाइनिंग टेबल भी लाऊंगी यहाँ के लिए तो सब खाना खा रहे थे बस यही था बिरयानी बनाई थी मैंने कस्टर्ड बनाया था और रायता चटनी सलाद वगैरह यही सारी चीज़ें थी मैंने कहा भी था कि सालन बना लूँगी कुछ तो मना कर दिया था क्योंकि फिर खाया नहीं जाता इतना सालन वालन तो फिर मैंने सोचा था शाम को बना लूँगी सालन लेकिन ये रुके नहीं ये शाम को ही मगरिब के बाद चले गए थे तो बस मैं इनको खिला रही थी सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं इंतज़ार में थी और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे ये देखो ये छोटा बच्चा कैसे गुलाब जामुन खाता फिर रहा है अभी जी ये भी जाने की तैयारी कर रहे हैं इनका भी टाइम पूरा हो गया सब एक रात के लिए आ रहे हैं बस आई 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 हाँ भैया फिर आना है सारा खाएगी सारा ही खाएगी चल ना खाने दे ना कौन नहीं कुछ नहीं खाने दे मैंने काट के सारे उसमें डाल दिए कस्टर्ड में तो फिर चल दिए तुम हाँ हाँ आएंगे अब तो बस जब ही होगा आना अल्लाह बस खैर से रखे हाँ बस अब तो बस तारीख वारीख होगा जब चक्कर चलेगा ना जब ही होगा इंशाल्लाह वाह अल्लाह हाफिज अच्छा भाई आदिल फिर आइयो हैं जा रही हो थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब